हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस जून 2019 का पार्ट सी का पेपर। हम क्वेश्चन नंबर 134 पे हैं एंड इसके बाद हम दिसंबर 2019 का पेपर स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले हम पार्ट सी लेंगे। सो क्वेश्चन सेज, गिवन बिलो आर दी फ्यू ट्रेड्स अंडर रिलेटेड फंक्शंस। यहाँ पे हमें ट्रेड्स दे रखे हैं एक साइड पे, यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है, हमें मैच करना है। सो ये फंक्शंस जो है बेसिकली एनिमल्स के हैं, जब वो हंटिंग करते हैं उनका क्या है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है एपोसीमेटिज्म। एपोसीमेटिज्म एक्चुअली होता ही है, एपोसीमेटिज्म होता है कि एडवर्टाइजिंग बाय एनिमल टू पोटेंशियल प्रीडेटर दैट इट इज़ नॉट वर्थ अटैकिंग और ईटिंग। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो एनिमल होता है, जो अपने प्रे को खाने वाला होता है, वो एक्टिंग करके दिखाता है कि यार तू इसके लायक ही नहीं है, खाने के लायक ही नहीं है, वो ऐसे एक्टिंग करता है। सो दैट इज़ एपोसीमेटिज्म। सो दैट इज़ अवॉइडिंग प्रेडेशन, ऑप्शन बी। ठीक है, बास्किंग का क्या हुआ, बास्किंग है दैट इज़ टू लाई इन अ प्लेस वेयर यू कैन एन्जॉय वार्म, मतलब ऐसे पड़े रहते हैं, सनबाथ की तरह होता है इसमें। तो दैट इज़ थर्मोरेगुलेशन, ऑप्शन डी। कोऑपरेटिव हंटिंग तो हम लोग ने बहुत बार सुना है, इसमें ग्रुप ऑफ एनिमल होता है जो एक साथ कोऑपरेट करके अटैक करते हैं, एक यूनिटी में अटैक करते हैं फॉर हंटिंग टू एक्वायर द फूड। तो कोऑपरेटिव हंटिंग क्या हो गया, एक्वायरिंग फूड। सॉन्ग क्या होता है, सॉन्ग हमें पता है जैसे चिड़िया गाती है राइट, या फिर कोई एनिमल आवाज़ लगाता है, दैट इज़ फॉर द टेरिटरी डिफेंस राइट। सो 134 का हमारा हो गया आंसर थर्ड, बी का फर्स्ट, डी का सेकेंड एंड कोऑपरेटिव हंटिंग का ए का थर्ड एंड सी का फोर्थ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 135। सो इट्स फॉलोइंग इज द ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशनरी ट्री। सो ये ह्यूमन इवोल्यूशनरी ट्री के कहाँ से ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं, तो ये जो ट्री है, एक बार अगर आपने याद कर लिया, बहुत ईजी है, एक बार आप याद कर लीजिए तो इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से निकाल सकते हैं, एंड ये नेट में पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। सो अगर आप देखेंगे तो इस हमें लोग हमको ये ए बी सी डी भरना है कि ह्यूमन्स यहाँ से कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। सो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ से हमारा कॉमन पॉइंट है इवॉल्व होने का ह्यूमंस के, तो यहाँ से ये चलेगा एंड इसके पहले जो है ये है ऑस्ट्रेलोपिथेसिस। ऑस्ट्रेलोपिथेसिस से पहले भी एक्चुअली एक पॉइंट था जहाँ पे यहाँ पे आएगा चिंपैंजी, यहाँ पे चिंपैंजी आए थे पहले, देन उसके बाद चिंपैंजी से इवॉल्व होके ऑस्ट्रेलोपिथेसिस हुआ था, उसके बाद हमारा जो बना था दैट वॉज होमो हैबिलस। होमो हैबिलस से इवॉल्व होके जो बी पॉइंट पे पहुंचे थे, तो दैट इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से इवॉल्व होके जो सी पॉइंट आया था, दैट इज होमो नियंद्रथालिनिसिस, एंड यहाँ पे जो है दैट इज डी पॉइंट, दैट इज डेनिसो वन, एंड ये वाला हमारा होमो सेपियंस। तो अगर ये आप इवोल्यूशनरी ट्री ऐसे ही याद कर लेंगे तो आराम से आपके एक क्वेश्चन तो निकल सकता है, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सो इस सीक्वेंस से हमारा आंसर हुआ सेकंड, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नीदरथालिनिस एंड डेनिसो वन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। बेस्ड अपॉन द फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन इट वॉज कंक्लूडेड दैट एन अननोन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्रेट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्लांट। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई जीन अ रिसर्चर प्रपोजेस टू यूज द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली हमें एक टेक्निक फाइंड आउट करनी है, तो अननोन जीन को कौन कौन पता कर सकता है कि कहाँ पे है राइट। तो पहला ऑप्शन है पीसीआर एम्पलीफिकेशन ऑफ अ जीन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीसीआर एम्पलीफिकेशन ऑफ अ जीन तभी हो सकता है जब हमें जीन नोन हो, तभी हम उस जीन के रिलेटेड हम प्राइमर बना सकते हैं, तो उसका एम्पलीफिकेशन हो। तो पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। देन आता है मैप बेस्ड क्लोनिंग ऑफ अ जीन। मैप बेस्ड क्लोनिंग ऑफ अ जीन तभी हो सकती है, क्लोनिंग करना है हमें जब हमें जीन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उस जीन के हम सीक्वेंस जानते हों, उस जीन की हमें ऑलमोस्ट लोकेशन पता हो, तभी हम क्लोनिंग ऑफ अ जीन कर सकते हैं मैप बेस्ड। थर्ड स्ट्रैटेजी सेज
सब्ट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन. तो मैं पहले ये बता दूँ सब्ट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है. सो ये टेक्निक है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टराइजेशन ऑफ द डीएनए बिटवीन टू पॉपुलेशंस. अगर हमारे पास दो पॉपुलेशन है उसमें कुछ भी डिफरेंसेस आते हैं जीनोम टाइप में एज वेल एज सेल टाइप में, कुछ डिलीशन होता है या फिर रीअरेंजमेंट होता है, तो उन दो पॉपुलेशन या दो डिफरेंसेस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड में फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेक्निक का यूज़ करते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन. सो हमारे को अगर अननोन जीन है जो हमें नहीं पता है एंड वी कैन कंपेयर विद द नोन प्लांट, सो ये हमारा यूज हो सकता है. सो आंसर इज फॉर द अननोन आइडेंटिफाइंग द अननोन जीन सब्ट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कैन बी यूज्ड. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 137. अ टी नॉट ट्रांसजेनिक प्लांट कंटेन टू अनलिंक्ड कॉपी ऑफ टी डीएनए. अनलिंक्ड कॉपीज मतलब हो गए कि वो लिंकेज नहीं है. यहाँ पे टी डीएनए क्या होता है, ट्रांसफर डीएनए होता है हमारा प्लास्मिड का ऑफ अ बैक्टीरियम लाइक एग्रोबैक्टीरियम होता है ट्यूमिफेशन, उसके लिए टी डीएनए होता है. वन ऑफ इट्स फंक्शन एंड अदर इज साइलेंस. सेग्रीगेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक टू नॉन ट्रांसजेनिक फिनोटाइप वुड अकर इन डैश रेशियो इन द प्रोजेनी ऑप्टेन बाय बैक क्रॉसिंग एंड इन अ डैश रेशियो इन F1 प्रोजेनी ऑप्टेन बाय सेल्फ पॉलिनेशन. सो हमें ये रेशियो निकालना है कि हमारी F1 प्रोजेनी क्या होगी एंड F2 प्रोजेनी क्या होगी. तो हम एक हमारा साइलेंस है एक फंक्शनल है. सो हम फंक्शनल को TF ले लेंगे एंड साइलेंस को हमारा TS ले लेते हैं. व्हेन इट इज क्रॉस्ड विद द साइलेंस प्रोजेनी जो हमारी इसमें बनेगी दैट विल बी 1:1, दैट इज TF फंक्शनल TS एंड TS TS. एंड जब ये पहला है हमारा बैक क्रॉसिंग का, ठीक है. सेकंड केस में जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया है दैट इज TF TS का, तो इसमें जो प्रोजेनीज बनेंगी दैट विल बी 3:1. सो आंसर हो गया हमारा, आंसर हो गया सेकेंड. फर्स्ट के केस में 1:1 एंड सेकेंड के केस में 3:1. सो पहले बैक क्रॉसिंग हुआ है एंड देन सेकेंड में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 138. कॉलम एक्स लिस्ट टू डिजीजेस एंड कॉलम वाई लिस्ट नेम ऑफ द प्रोटीन्स विच आर कॉमनली यूज फॉर द रूटीन क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो एक्स कॉलम पे हमारी दो डिजीज के नाम बताए हैं एंड वाई में हमारे इंजाइम्स एंड द प्रोटीन बताया हुआ है जो हमें एक्चुअली ये बताना है कौन सी डिजीज के टाइम पे कौन सी इंजाइम जो है वो रिलीज होता है. तो जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आप जैसे कि जानते होंगे इट्स अ हार्ट अटैक, तो उसके टाइम पे क्रिएटिनिन काइनेज जो होता है वो एलिवेट हो जाता है. उसका सीरम लेवल जो होता है विद इन 3 to 6 hours ही हमारा एलिवेट हो जाता है एंड उसका पीक जो आता है दैट इज बिटवीन 16 to 30 hours. तो ये आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. तो सीरम लेवल पे एलिवेट होता है हमारा क्रिएटिनिन काइनेज 3 to 6 hours में एंड उसका पीक हो जाता है 16 to 30 hours. सेकेंड जो प्रोटीन है जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में होता है दैट इज ट्रोपोनिन. कार्डिक ट्रोपोनिन जो होता है बहुत ही सेंसिटिव मार्कर है, इट्स अ रेगुलेटरी प्रोटीन. जब हमारे मायोकार्डियम में मायोकार्डियम से रिलीज होता है इन द सर्कुलेशन, अगर कुछ भी मायोसाइट्स में कुछ भी हमारा डैमेज हुआ हो तो ट्रोपोनिन जो है वो रिलीज हो जाता है इन द ब्लड. सो इट्स वेरी सेंसिटिव मार्कर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए. तो आंसर हुआ क्रिएटिनिन काइनेज एंड द ट्रोपोनिन. पैंक्रियाटिक्स ऑन द अदर हैंड, आपको पता है पैंक्रियाटिक्स क्या होती है कि अगर डिजीज है अगर हमारे पैंक्रियाज जो होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो दैट इज पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है. इसमें जो दो एंजाइम्स है दैट इज अमाइलेज एंड लाइपेज. तो पैंक्रियाज जो जब हमारी इन्फ्लेम्ड होती है तो दोनों का ही लेवल जो होता है लाइपेज एंड अमाइलेज का वो इंक्रीज हो जाता है. एंड लाइपेज आप जानते हैं इट्स अ इसका सीक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन होता है एंड जो फैट को ब्रेक डाउन करने में काम आती है, राइट. सो पैंक्रियाटाइटिस में हमारी अमाइलेज एंड लाइपेज, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्रिएटिन काइनेज एंड ट्रोपोनिन. सो इसको मैच करते हुए आंसर आया ऑप्शन 1.
Moving on to question number 139, given below are the steps to assess the population size of the grasshopper in an area. So grasshopper को हमारे को measure करना है, access करना है, what is the population size. तो हमें इसमें actually mark recapture technique use करते हैं, right? हमने इन सबने पढ़ा होगा mark recapture technique क्या होती है. It is used to estimate the size of the population where it is impractical to collect एवरी इंडिविजुअल. जैसे हो गया बर्ड्स का काउंट कर रहे हैं, ग्रास हॉपर का काउंट कर रहे हैं, या कोई बड़ी साइज है पॉपुलेशन की जिसमें हमारा हेड काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हम मार्क रिकैप्चर टेक्निक यूज़ करते हैं. तो हमें ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है. सो ए स्टेट्स एन इंडिविजुअल आर करेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द स्टडी एरिया इन अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट है. B states the correct individual are counted, marked and released at the site of the collection. Next day, individual are captured from the same sites for the same length of time. Number of the marked and unmarked individuals are separated and counted. बिल्कुल सही है. जो हम फिर से recapture technique जो आती है कि फिर से recapture होते हैं, mark किए जाते हैं, unmarked किए जाते हैं, जो unmarked रह जाते हैं उनको count किया जाता है. Then third states that the capture, release and the recapture is continued till one gets 100% marked individual. ये हमारा statement wrong है. अगर हम 100% count कर सकते थे individual में, तो ये technique use ही नहीं होती mark recapture technique. Mark recapture technique तभी आती जब हम 100% count कर ही नहीं सकते. It is impractical, it is impossible. तो हमारा C statement जो है वो wrong हो गया. And then D states that कैसे मेजर करते हैं साइज ऑफ द पॉपुलेशन. ये हमें पता है, ये N is the marked one, NU is the unmarked one, recapture जो हुआ है individual, हमारा ये फॉर्मूला ये हमने बहुत बार पढ़ा है and ये यूज होता है टू कैलकुलेट द साइज recapture and the capture वाला. So D statement is correct. And E हमें पता है ये wrong है. The size of the population is not estimated by this formula. It is estimated with the formula which is given in the D statement. Fine. So हमारा A, B and D statement करेक्ट हो गया, जिसके हिसाब से हमारे आंसर जो हुआ दैट इज 1 A B and D. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 140. A neurophysiologist was interested in using the patch clamp technique. तो patch clamp technique आपने पढ़ा होगा electrophysical technique में. patch clamp technique actually होती है, it is used to evaluate the ion channel behavior. आयन चैनल्स जो होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में, टिश्यू में, हमारे उनका बिहेवियर को इवैल्यूएट करना. जैसे वो आयन चैनल में आयन्स का फ्लो कैसे चल रहा है, इनसाइड आउटसाइड फ्लो कैसा चल रहा है, और रेट क्या है इंडिविजुअल आयन्स का मूवमेंट का, उसको फाइंड आउट करने के लिए पैच क्लैंप की टेक्निक होती है. जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कि मूवमेंट क्या है अक्रॉस दी चैनल, उसके लिए यूज़ होती है. सो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है पैच क्लैंप टेक्निक के लिए. सो फर्स्ट स्टेटमेंट से इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ आयन चैनल्स. जैसा कि मैंने बताया कि मूवमेंट ऑफ आयन चैनल्स के लिए होता है कि आयन्स जो मूव करते हैं अक्रॉस दी चैनल, उसका मूवमेंट को मेजर करने के लिए होता है, एवैल्यूएट करने के लिए होता है. तो ए स्टेटमेंट हमारा सही है. बी स्टेटमेंट से पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ आयन चैनल प्रोटीन. नो, पोस्ट ट्रांसलेशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है. देन सी स्टेट्स दैट लिगेंड दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द आयन चैनल. नो, लिगेंड से भी कुछ लेना देना नहीं है कि लिगेंड्स जो कंट्रोल कर रहे हैं. नो, हमारा ये सिंपल सा आयन चैनल जो होता है उसका मूवमेंट क्या है आयन्स का वो. एंड ऑल्सो डी स्टेटमेंट से चेंज इन द करंट फ्लो इन अ सिंगल आयन चैनल, दैट इज करेक्ट. ए एंड डी इज करेक्ट. करंट फ्लो हमारा चेंज कैसे होता है, जैसे सोडियम मूव हुआ हमारा चेंज होता है, हमारा इलेक्ट्रोपोटेंशियल चेंज होता है, राइट? तो उसका मेजर करने के लिए कि व्हाट इज़ अ चेंज इन द करंट फ्लो, तो ए एंड डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सो आंसर इज 4th. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 141. सो हम लोग को ये ग्राफ दे रखा है एल्ब्यूमिन का एंड ये जो ग्लोबुलिन्स का, दैट इज़ अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा का दे रखा है. सो द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन वो सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस. द डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन कैन बी डन ऑन द बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग. तो ये आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा कि जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारा जो ग्राफ होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन होने पर, नॉर्मली हमारा एल्ब्यूमिन बढ़ा होता है, बट जब हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारा एल्ब्यूमिन तो डिक्रीज हो जाता है एंड हमारा अल्फा 1 एंड अल्फा 2 हमारा इंक्रीज हो जाता है.
हमें यही बताना है कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होती है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट से इज इंक्रीज इन दी बोथ एल्फा वन एंड एल्फा टू एंड डिक्रीज इन दी एल्ब्यूमिन, दैट इज अ करेक्ट आंसर. तो जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा तो हमारे एल्फा वन एंड एल्फा टू ग्लोबुलिन्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 142. फॉलोइंग स्टेटमेंट वर गिवन रिगार्डिंग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेरिएशन इन द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ द ट्रांसजीन इन द ट्रांसजेनिक प्लांट्स. तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है इट विल नॉट लीड टू द वेरिएशन इन द ट्रांसजीन एक्सप्रेशन. ठीक है. सो पहला स्टेटमेंट सेज डिफरेंस इन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स विद इन TDNA. सो उसके एक्सप्रेशन से रिस्ट्रिक्शन साइट्स का कुछ लेना देना नहीं होता. रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं फॉर द क्लीवेज, राइट. उसके ट्रांसजीन के एक्सप्रेशन के लिए डिफरेंस इन द रिस्ट्रिक्शन साइट का कुछ लेना देना नहीं है. सो ए स्टेटमेंट इज फॉल्स. बी इज डिफरेंस इन द कॉपी नंबर ऑफ द ट्रांसजीन. येस, इसके एक्सप्रेशन से बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा कॉपी नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ता है. सो बी स्टेटमेंट इज ट्रू, ए इज फॉल्स. सी इज वेरिएशन इन द साइट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द TDNA विद इन प्लांट जीनोम. ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि अगर साइट ऑफ द इंटीग्रेशन जो TDNA का है हेट्रोक्रोमेटिन में यूक्रोमेटिन में उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे एक्सप्रेशन से, राइट. कि हमारे यूक्रोमेटिन में आया या फिर हेट्रोक्रोमेटिन में जाके इंटीग्रेट हुआ है. सो बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस. डी स्टेट्स प्रेजेंस ऑफ द मल्टीपल प्रमोटर्स विद इन TDNA रीजन. नो, प्रमोटर्स का प्रेजेंस होना TDNA रीजन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. स्ट्रांग प्रमोटर है या वीक प्रमोटर है, TDNA में हमारा प्रमोटर्स नहीं होते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा. ए एंड डी हमारे जो हैं विल नॉट लीड टू द वेरिएशन इन द ट्रांसजीन एक्सप्रेशन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसका थोड़ा सा पार्ट जो है हमने पार्ट बी में भी कवर किया था. सो इट्स अ फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी का क्वेश्चन है वेवलेंथ के अक्रॉस. गिवन दैट द अबव फिगर शोज द फ्लोरेसेंस इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ थ्री डिफरेंट प्रोटीन एक्स वाई जेड दे रखा है विच वर एक्साइटेड एट 280 नैनोमीटर पे एक्साइट किया है. तो हमें ये बताना है एक्स वाई जेड प्रोटीन जो है वो कौन सा है. तो अगर आप देखेंगे एक्स वाई जेड जो है हमारा एक्साइटेशन जो है वो 280 पे था, 280 नैनोमीटर पे था. एंड यहाँ पे जो इमिशन स्पेक्ट्रा है एक्स का जो है वो 315 मान लीजिए, ये 325 गिवन है एंड जेड का जो है 350 गिवन है. हमें ये पता है कि 350 नैनोमीटर पे ट्रिप्टोफैन जो है ट्रिप्टोफैन का हमारा इमिशन होता है एंड जो कि हमारे एंड 325 पे क्या होता है, 325 पे भी ट्रिप्टोफैन का ही इमिशन होता है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रिप्टोफैन. ठीक है, 325 एंड 350 पे डिफरेंस पर इतना रहता है कि ट्रिप्टोफैन यहाँ पे अनफोल्डेड होता है तब इमिट करता है एंड यहाँ पे जो होता है फोल्डेड होता है. एंड 315 पे जो इमिशन होता है वो टोटली हमारा होता है इन प्रेजेंस ऑफ द टायरोसिन. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टायरोसिन. तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका थोड़ा सा पार्ट हमारा पार्ट बी में भी कवर किया था. तो ये डायरेक्ट है, हमें बस वेवलेंथ हमें याद होनी चाहिए एंड इसकी वजह से जो आंसर होता है हमारा दैट इज ऑप्शन 4. प्रोटीन एक्स हैज ओनली टायरोसिन. एक्स हमारा टायरोसिन हो गया. प्रोटीन वाई जो है ट्रिप्टोफेन बरीड है, मतलब हमारा फोल्डेड फॉर्म में है. एंड प्रोटीन जेड जो है वो ट्रिप्टोफेन ऑन द सर्फेस, दैट इज अनफोल्डेड फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन 144. ये हमारा माइक्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, जो हमारा फिक्सिंग टेक्निक है उस पर हमारा बेस्ड है. इजी क्वेश्चन है. स्पेसिमेन फॉर द लाइट माइक्रोस्कोपी आर कॉमनली फिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग केमिकल दैट क्रॉसलिंक एंड डीनेचर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉमनली यूज फिक्सेटर्स सच एज फॉर्मेल्डिहाइड एंड मेथनॉल कुड एक्ट इन द वेरियस फॉर्म्स एज. तो हम लोग को बेसिकली ये बताने कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है फिक्सिंग टेक्निक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट फॉर्मेल्डिहाइड क्रॉसलिंक्स अमीनो ग्रुप ऑन द एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स एंड स्टेबलाइजेस प्रोटीन प्रोटीन एंड प्रोटीन न्यूक्लिक इंट्रैक्शन. वेरी ट्रू. फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है हमारा क्रॉसलिंकिंग एजेंट है जो प्रोटीन और प्रोटीन को और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को स्टेबलाइज करता है. देन बी स्टेटमेंट सेज मिथेनॉल एक्ट एज अ डीनेचरिंग फिक्सेटर. येस, इट्स अ डिहाइड्रेटिंग केमिकल होता है जो डिहाइड्रेट करता है एंड एक्ट बाय रिड्यूसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल बाय डिस्ट्रप्टिंग द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, विच इज ट्रू. देन सी स्टेटमेंट सेज दैट द फॉर्मेल्डिहाइड क्रॉसलिंग लिपिड टेल्स इन द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. देन डी स्टेट्स दैट मिथेनॉल एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड क्रॉसलिंग न्यूक्लिक एसिड विद प्रोटीन एंड थस स्टेबलाइज द प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंट्रैक्शन, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है. तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट सेज दैट द ए एंड बी हमारा बिल्कुल सही है फिक्सिंग टेक्निक का एंड सी एंड डी आर रॉन्ग. सो आंसर इज फोर्थ, ए एंड बी.
So moving on to last question 145. Run of the transcription assays were performed to establish the specificity of the three novel sigma factor for their promoter. Results of the experiment are shown. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रमोटर है सिग्मा फैक्टर है ए वो प्रमोटर टू से बाइंड करता है, ठीक है. सिग्मा फैक्टर बी जो है हमारा प्रमोटर वन से बाइंड करता है. अब जब दोनों सिग्मा प्रेजेंट होंगे हमारे ए एंड बी तो आप देखते हैं कि बी जो है वो हमारा बाइंड कर रहा है हमारा प्रमोटर वन से एंड वो ए को इनिबिट कर रहा है कि प्रमोटर टू से बाइंड कर पाए. तो सिर्फ एक का एक्सप्रेशन हो रहा है यहाँ पे जीन का, दैट इज प्रमोटर वन का जो हमारा बी की प्रेजेंस में बाइंड हो रहा था. तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ए जो है ए को बी जो है इनिबिट कर रहा है कि वो बाइंड ना कर पाए प्रमोटर टू से, जो यहाँ पे शो रहा है, राइट. एंड सिग्मा फैक्टर सी जो है वो हमारा दोनों प्रमोटर से बाइंड कर रहा है. तो ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन ऐसे का, राइट. अब हमें यहाँ पे फॉलोइंग इन्फेरेंस दे रखे हैं इसके, तो हमें ये देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो फॉलोइंग इन्फेरेंसेज वर मेड फ्रॉम दीज रिजल्ट्स से सिग्मा ए इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द प्रमोटर टू एंड सिग्मा बी फ्रॉम प्रमोटर वन. बिल्कुल सही है, हमने देख रहे हैं सिग्मा ए जो है वो प्रमोटर टू से इनिशिएट कर रहा है, सिग्मा बी जो है वो प्रमोटर वन से कर रहा है. सो ये स्टेटमेंट हमारा सही है. सिग्मा सी कैन इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम बोथ द प्रमोटर्स, हम देख रहे हैं बोथ द प्रमोटर्स है वो इनिशिएट कर रहा है. सिग्मा बी प्रिवेंट द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द प्रमोटर टू. बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिग्मा ए और सिग्मा बी जब बोथ प्रेजेंट होते हैं तो हमारा सिर्फ सिग्मा बी जो है वो हमारा प्रमोटर वन से ही बाइंड कर रहा है, वो प्रमोटर टू के पास नहीं बाइंड करने देता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने देता है. सो दैट इज प्रिवेंटिंग द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम प्रमोटर टू, विच इज करेक्ट. देन बी से दैट सिग्मा फैक्टर इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम पी वन. नो, सिग्मा ए जो इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन करता है वो प्रमोटर टू से करता है. तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो ए बी एंड सी है, डी हमारा रॉन्ग है. तो आंसर इज फर्स्ट. तो यहाँ पे हमारा सी एस आई आर नेट जून 2019 का पेपर ख़त्म होता है. अब मैं कल जो डालूंगी वो दिसंबर 2019 का पेपर डालूंगी एंड मैं पार्ट सी से स्टार्ट करूंगी बिकॉज एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था. तो आप ज़रूर वीडियो को चेकआउट करिएगा, कल मैं पार्ट सी डालने वाली हूँ 2019 दिसंबर का पेपर.